वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास कॉल आई थी, वो अपनी शादी के बारे में पूछ रही थी और अपनी किस्मत का पूछ रही थी कि मेरी किस्मत में क्या है, मैं आगे क्या करूंगी इन फ्यूचर। तो इसका जवाब हमें देंगे इब्ने कशीर साहब। हाँ, इनके सवाल का जवाब ये है कि इस साल बहरहाल की शादी तो नहीं होगी, लेकिन शादी की बुनियाद पड़ जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, कोई इसका सिलसिला बन जाएगा। इंशाल्लाह। और ये कि आगे उनकी जिंदगी जो सी है, जैसा ये सोचती हैं, मुमकिन है बहुत हाई फाई लग्जरी सोचती हैं, तो मैं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छा ही है। बहरहाल जो इन्होंने सोच कर रखा हुआ है उससे मुख्तलिफ अच्छा ही है, उससे मुख्तलिफ अच्छा ही है। ठीक है, आप सुन रही हैं अमरीन, सुने सही से कि जो आपने सोच रखा है ना उससे जो मुख्तलिफ है उसमें ज्यादा अच्छा ही आपके लिए। जी दैट्स गुड। ठीक है सर, और इसके साथ ही साथ पूछना चाहूंगी मैं, मेरे अभी जब ब्रेक पे थी ना तो मैं कुछ सोच रही थी, लड़के उनके पास जॉब नहीं होती है, क्या करना चाहिए उन्हें? सिर्फ अपनी तकदीर को रोते रहे बैठ के, जॉब नहीं है, या एफर्ट भी करे कुछ? अभी किसी को अंदाजा हो हमारे इस मुल्क का, और मुल्क के अंदर इस कराची का, हमारा प्यारा वतन दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है जो बनने जा रहा है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि अगर हमारे इस मुल्क में कम से कम 50-60 लाख, बल्कि उससे भी ज्यादा तादाद में गैर मुल्की यहाँ पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं और यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, बिल्कुल सही, और हम लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, हाँ। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे और गैर मुल्कियों को और उनको काफी हद तक मुतनाज़ा लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमारे इस मुल्क माशरे पर और हमारी माशियत पर बोझ हैं। अच्छा, ये सब होने के बावजूद हम यहाँ पे बहुत से काम हैं जो काम बआसानी बाइज्जत तरीके से कर हम अपने माली मामलात को और अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। अच्छा, हम बहरहाल व्हाइट कॉलर के चक्कर में बैठे हुए हैं, ऐसी नौकरी ढूंढना चाहते हैं कि जिसमें बस कोई काम ना हो, सिर्फ पैसे मिलते रहे, सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर हो या कम से कम घर बैठे तनख्वाह मिलती रहे। जी। हम इस चक्कर में बैठे हुए हैं, हमारे इस रुझान से और इस कैफियत से निकलना होगा। अगर इससे निकलने के बाद फिर दूसरी बात है, घरों में मामला यूं है कि बिलफर्ज मैं शादी करना चाहता हूँ, जब मैं शादी करना चाहता हूँ मेरी बिलफर्ज मंगनी हुई हुई है, तो मैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, क्यों भाई? मेरी तीन बहनें हैं, पहले उनकी शादी हो जाए फिर मैं करूंगा। अच्छा, जहां मेरी तीन बहनों की शादी मुमकिन होनी है, उनकी चार बहनें हैं, वो कहते हैं जी मेरी बहनों की शादी होगी, एक पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो कि जो निजाम है ना मईशत का, कि कहीं पर एक जगह ब्लॉकेज जाती है तो पूरा सिस्टम रुक जाता है जी जी एकदम। इसी तरह ये इसी किस्म का सिस्टम है माशरे का, जिसे खून गर्दिश कर रहा है तो कर रहा है, जहां आपको जरा एक लम्हे के लिए रुका तो आपको झटका लगता है और कितनी शदीद कैफियत बुरी पैदा हो जाती है, दिल का दौरा। तो इस किस्म की कैफियत से निकलना होगा। इस कैफियत से निकलने के लिए बहुत सी एक मैं मुतनाजा बात वो भी कहना चाहूंगा जो मैं वक्फे के दौरान डिस्कस कर रहा था, वो ये कि हमें इस हिंदू माशरे के असरात से निकलना होगा। अगर हिंदू माशरे के असरात से निकलेंगे तो शायद हमारी जिंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। हमें अरब माशरे की तरफ थोड़ा सा मुतवज्जो होना पड़ेगा कि जहां पर जितने भी जैसे भी हालात हों, अच्छे थे बुरे थे, वो लोग कई की शादियां करते हैं जी। जो कि शरई तौर पर उन्हें और हमें हमारे एक ही बात है, तो लेकिन खुश हो जाएंगे। बात आपकी बात भी किसी तक दुरुस्त है, लेकिन ये मैं आप पता नहीं आप इस नुस्खे से वाकिफ हैं कि नहीं, मर्द होने के नाते मैं जानता हूं कि शादी से पहले पहले ही औरत अच्छी लगती है, ये भी जहन एक बना लीजिए, उसके बाद वो बुरी लगती है, बुरी ना लगे कम से कम उस स्टैंडर्ड की नहीं लगती जिस स्टैंडर्ड की पहले लग रही होती है, पहले लग रही होती है। ये ना सोचें कि चार शादियां 10 शादियां, क्या क्या रीजन है? ये दुनियादारी का ये तो एक तनवो है ना, तनवो एक कि जो चीज आपके पास नहीं होती नहीं, उसकी बड़ी कदर होती है, और जब वो चीज आ जाती है फिर वो बेकदर हो जाती है। आपके पास बिलफर्ज आपके पास आपकी पहली बीवियां या दीगर जो अजवाज हैं उनके मुकाबले में बाहर एक उनसे कई दर्जे लो है वो, लेकिन आप उस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो माशरे का कायनात का एक निजाम है, ये निजाम ऐसा ना हो तो फिर भी ब्लॉकेज हो जाएगा। तो यानी आप सर आप ये कह रहे हैं ये नेचर है, नेचर है, नेचर है, ये आदमी का नेचर है, मर्दों की बात। इसमें आप डिस्कवरी और अच्छा बिल्कुल सही, ये नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह वो सारी चीजें यूज करें, जाइए तो वहां भी गौर कीजिए, तो आखिर जानदार होने के नाते सबकी एक ही साइकी है, एक ही साइकी है, इंसान है या जानवर है या कुछ भी है। ठीक है नौशाबा, मुझे एक बात बताएं, औरतों की जो खवातीन की, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछ लूं, मेरी मम्मा के बहुत ज्यादा सर्वाइकल पेन रहता है, मतलब शोल्डर हाथों का, अब उनके बारे में मैं कुछ पूछ लूं ना, वरना कहती हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, मेरे बारे में कुछ पूछ लिया करो। मैं देख रही होती हूँ बैठ के, मैं कहती हूँ मेरे मतलब की तो कोई चीज है ही नहीं, गर्दन में दर्द, हाँ उनकी शोल्डर, कंधों में भी दर्द हो रहा होता है, केयर करती हैं वो किसी तरह की?
कोई मतलब कोई मसाज, कोई ऑयल नहीं, मसाज, नहीं, 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 अगर सच कहूँ तो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ पेन किलर खाती हूँ। पेन किलर से ठीक भी हो जाता है वक्ती तौर पे होता होगा? वक्ती तौर पे देखो, सर्वाइकल पेन के लिए अब डिपेंड करता है ना कि उनको किस तरह का पेन है। हो सकता है कि उनके नर्व, नस जो होती है, नर्व जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो कंप्रेस हो रही हो, दब रही हो मोरों में। अच्छा, ऐसा हो सकता ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हो सकता है कि वहां पर उनको किसी तरह की बोनी कोई प्रॉब्लम हो, सॉफ्ट टिश्यू को इंजरी हुई भी हो, कोई चोट लगी भी हो, किसी तरह की हेल्थ उनकी हेल्दी तो नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब मोटापे में तो नहीं है वो, कहीं बहुत ज्यादा मोटापे में नहीं है, बट है हाँ, फर्स्ट स्टेज पे है वो। फर्स्ट स्टेज पे केयर करो यार, उनका वेट कम करवाने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। और सेकंड ये कि उनको नेक की एक्सरसाइजेज है, उन्हें करनी चाहिए अपनी नेक को, गर्दन को सही रखने के लिए, ताकि उनकी गर्दन की पोजिशन जो है वो सही रहे। गर्दन की पोजिशन कैसी होनी चाहिए वो बता दें, अभी वो देख रही होंगी तो खुश हो जाएंगी बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ मुझे ये बताएगा कि इसमें फिजियोथेरेपी वगैरह का कुछ अमल है? बिल्कुल, ये कारामद है या नहीं? फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत जरूरी है। नेक के जो योग, आपका जो पीछे कर्व होता है ना, कर्व से मतलब नेक की पोजीशन सही रखने के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो जनरली हर कोई कर सकता है, घरों में तो बहुत आराम से हो सकती है, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में तो होती है, लेकिन एक होम प्रोग्राम वहां पर बताया जाता है। अच्छा, और वो जनरल एक्सरसाइजेस है जिसमें आप अपनी नेक को बिल्कुल सीधा रख के किसी भी जगह पे आप बैठे, सपोर्ट लगा के पीछे कुशन रख लें, बेशक स्ट्रेट बिल्कुल बैठ जाए। और कॉल आ गई, कॉल भी लेते हैं हम पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं नौशाबा साहब से पूछना चाहूंगा, अभी सर्वाइकल पेन के हवाले से बात कर रहे थे आप लोग, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरी गर्दन में और शोल्डर्स के अंदर और काफी, यानी कि सुन हो जाते हैं, बाइक चला रहे हो मतलब बैठे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो वो सीधा उल्टा हाथ है वो बिल्कुल सुन हो जाता है, काफी देर तक रहता है, कभी सही हो जाता है, ठीक सुन हो जाता है जी, सुन हो जाता है। अच्छा, दूसरे हाथ में भी अब ये पेनिट्रेशन हो गई है राइट साइड पे, कि वो भी कुछ जगहों से सुन होने लगा या उंगलियां सुन होने लगी है, तो मेरी समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या ये सर्वाइकल पेन का कोई मसला है या क्या है, मैं इसका इलाज किस तरह तलाश करूँ, फिजियोथेरेपी है, टेबलेट्स खाऊं या क्या करूँ, यानी कि कोई मुस्तकिल हल चाहता हूँ मैं, कि ये मुस्तकिल हल हो जाए, तो मुझे ये बताइए कि इसको किस तरह मैनेज करूँ। आप बात कर रहे हैं, आप पहले अपना नाम तो बता दें। मैं अबरार बात कर रहा हूँ, कल भी मेरी बात हुई थी, अबरार बात कर रहा हूँ। अबरार साहब जी बिल्कुल, आपकी कल कॉल आई थी, ठीक है। तो ये पेन आपके एनी टाइम रहता है या किसी कोई स्पेसिफिक टाइम? कुछ अर्से पहले तो ये कभी कभार होता था, अब लेकिन ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है वो तकरीबन पूरे दिन ही होता रहता, किसी न किसी वक्त पर, कभी कम भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि रहता है। तो एक्सरे वगैरह करवाया इन्होंने कोई? आपने कोई एक्सरे करवाया कभी? जी नहीं, एक्सरे नहीं करवाया मैंने, आज ही जाके करवाया, एक्सरे करवा ले, एक्सरे, ठीक है। जिसके अलावा जो आपको जवाब देती है नौशाबा साहिबा, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। नौशाबा, पेन रहता है, पहले कभी कभार रहता था, अब बहुत ज्यादा रहने लगा है, बहुत ज्यादा है, और ये हाथ में भी जा रहा है, सुन की प्रॉब्लम भी हो रही है, स्पेशली जब ये कंप्यूटर यूज करते हैं तो इनको सुन की प्रॉब्लम भी हो रही है। देखो, सबसे पहले तो इनको जो है एक्सरे अपना करवाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं इनके नेक में, जो अभी मैं जिक्र कर रही थी कि बोनी चेंजेस आ रही होती है, नसें दब रही होती है, मोहरों में बोन, एक्स्ट्रा बोन जो है वो टूट फूट हो रही होती है बोन की, इनका हो सकता है ये कोई ऑफिस वर्क करते हो, कुछ इस तरह का इनका काम इस तरह का हो कि नेक पे बर्डन ज्यादा पड़ रहा हो, पोस्चर नेक का सही ना होता, सही ना हो सकता है इनकी इस तरह से कंडीशन हो, ठीक है। तो इनके जो मोहरे हैं उनमें से जो नसें निकल रही वो कंप्रेस हो रही होंगी, दबरी होंगी, और समटाइम्स ऐसा होता है कि इनकी कोई पोजिशन ऐसी आती है जिसमें वो नसें जो हैं, जो नर्व्स जो हैं वो ज्यादा कंप्रेस हो रही होती हैं। जब ज्यादा कंप्रेस होंगे तो डेफिनेटली जहां जहां वो नसें जा रही हैं बाजुओं में, वहां वो सुन की प्रॉब्लम भी उनको होगी, वो एक सर्टेन पोजिशन है कि इनको इनको आई डोंट नो कि इनके नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये क्या करते हैं ये, तो इसकी नेक की, वही नेक की केयर आ गई, नेक की नेक की, अपने नेक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा झुका के काम नहीं करें, अगर ऐसा कोई करना ही है, किस्मत ना समझ लें अबरार साहब, तदबीर करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी की, यानी तदबीर मीन्स की अपनी कोशिश करें कि नेक को अच्छा रखे, अच्छे तरीके से रखे, जैसे मैंने देखा, आप मुझे देखे कि मैंने नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, अगर मैं कोई काम करूंगी, लिखने पढ़ने का कोई काम करनी, तो हर आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद मैं अपनी नेक की पोजिशन चेंज करूंगी, ठीक है, ताकि आपकी सर्कुलेशन जो है वो अच्छी रहे। और उसके साथ साथ नेक के कुछ जो आप नमाज में भी, अल्लाह ताला ने हमें नमाज में भी बताया हुआ ये सारा, कि नेक सलाम की जो एक्सरसाइजेज होती है, सलाम जो हम फेरते हैं,
तो उसमें साइड में जी साइड में करना, दूसरी साइड में करना, दस दफा इस तरफ किया, दस दफा दूसरी तरफ किया, घुमाने वाली, सर को आगे झुकाएं, पीछे की तरफ ले जाएं, ये जनरल एक्सरसाइजेस हैं जो आप करें नेक को अच्छा रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए। कर सकता है ये, कोई भी कर सकता है ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, ये तो कोई भी कर सकता है, बल्कि हर कोई, हर किसी को करनी चाहिए। कोई एज लिमिट है इसमें? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, सबके लिए ये एक्सरसाइज, जो बच्चों से लेकर बड़ी एज के लोगों तक सबके लिए है, क्योंकि जनरल एक्सरसाइज है ये, और ये हार्मफुल भी नहीं है। ठीक है, हर कोई इसे कर सकता है। ये हर्बल टोटके वाला हाल है ना, हर्बलिस्ट जो आते हैं कि रेमेडीज है हमारी, होम रेमेडीज, अगर ये आपको फायदा नहीं पहुंचाए तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। ये फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। मेरी जाती प्रैक्टिस इस बारे में, ये फिजिकल और ये अर्कोनिसा का दर्द दो तीन दफा हुआ जी, मैं हर तरफ से लाजवाब हो गया। और अर्कोनिसा के जो तजवीज की जाता है इलाज के भी, इसका सिर्फ ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या करना है जी, आपके दोनों मोहरों को यहाँ से ड्रिल मशीन से सुराख किया, यहाँ से प्लेट लगाई, फिर यहाँ से लगाई, फिर इसको जैक से उठाया, फिर आप समझ लें कि उसके बाद कई साल तक आपको दर्द होता रहेगा। इसका इलाज ये कि फिर होता रहेगा, फिर आपको ये हदायत की जाएगी कि आपने 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना, आपने ऐसे नहीं करना, मतलब आप जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए आप माजूर हो गए। और फिर आपका ऑपरेशन करने से कबल आपसे गारंटी ली जाएगी कि आप इसमें 50-50 चांस है, या तो आप बिल्कुल माजूर हो सकते हैं, आप माजूर हो सकते हैं, या काम ये इतना सीरियस ऑपरेशन। अच्छा, तो क्यों ना हम केयर करें। और मैं हैरान हूँ कि मैं खुद अपने बारे में परेशान हो गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, एकदम लड़खड़ा के गिर पड़ने पर मजबूर हो जाता था, लेकिन मुझे एक मेरे जानने वाले ने जो खुद इस चीज का माहिर था, उसने मुझे प्रैक्टिस कराई, और वो बाद में मुझे पता लगा कि असल में योगा है, वो योगा, और मैं चुटकियों में सही हो गया, नाकाबले यकीन हद तक। उसके बाद मैंने बदपरहेजी अपना मामूल बना ली है, यानी अपनी उम्र के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा वजन उठा लेता हूँ, बहुत ज्यादा मैं दौड़ धूप और बहुत से मामला करता हूँ जो नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे तसल्ली होती है कि मैं अभी मुझे दर्द होगा या तकलीफ होगी 2 घंटे बाद और यकीन करें एक दफा करने पर फौरी ठीक हो जाता है, आराम आ जाता है। कितनी देर तक करते हैं सर? मैं आधे घंटे 20 मिनट के कुछ योगा की एक्सरसाइजेस, बता रहे होते हैं बट लोग करते नहीं है, करते नहीं है ना लोग, इसलिए तो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं बॉडी में, इसलिए तो पेन आ रहे हैं। मजे की बात कि मैं कहूँ कि सर मुझे आराम आया, नहीं, मेरी अमशीरा जोशी थोड़ी सी वजनदार भी थी, उसकी प्रॉब्लम जरा सीरियस भी थी और बहुत मामला खराब था, उसको मैंने क्या किया कि मैंने उस प्रोग्राम की वीडियो बना के दी, कुछ थोड़ी सी इजाफी भी बना के वीडियो बना के उसको मैंने उसके मोबाइल में डाल दी कि आप खुद करते रहो, उसने किया, बिल्कुल सही हो गई। एक और दोस्त उसको यूं मतलब जिसको भी मैंने सिफारिश की इस बारे में, और मैं बिल्कुल उसको दुरुस्त पाया, एग्जैक्ट पाया, और मैं तो अल्लाह ताला की खास नेमत है, लेकिन हमारे में से कुछ चीज कहते हैं तंग नजर, जी जी तंग जी नजर जो से हैं वो फिर ये हराम है, ये हलाल है, ये फलां है, ये ढिमकान के मतलब, क्योंकि अल्लाह तो कहता है हर चीज में इलम हासिल करो उसके लिए कहीं पर भी, और गौर करो, कुरान में सबसे ज्यादा जोर जो दिया है नमाज पे दिया है कि नमाज 2000 मरतबा उसका असरार है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने महसूस किया कि एक और चीज है जिस पे अल्लाह ताला का खास हुक्म है, वो ये कि छोटी सी बात अल्लाह ताला फरमाता है कि आप बिल्फर मशरिक से हवा चल रही है मिसाल के तौर पर, तो तुम गौर नहीं करते, तो गौर करने वालों के लिए, तदब्बुर करने वालों के लिए, फिक्र करने वालों के लिए, समझने वालों के लिए निशानियां हैं। एक लाइन आयत की होती है, उसके बाद अल्लाह ताला की इतनी लंबी तकरार होती है और असरार होता है, गौर करो, फिक्र करो, गौर करो, फिक्र करो, सही, गौर फिक्र ही बहुत बड़ा मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है, उसके बलबूते पर तो होता ही है ना इब्न कशीर साहब के, बस हम समझ रहे होते कि जो भी कुछ हो गया नसीब में, जो भी कुछ हो गया तकदीर में, बस ठीक है रहने दो, करना कराना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज को रोते रहना है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अब ठीक है जो गलत हो गया हो गया, उसको सुधारा भी तो जा सकता है। मैं अगर किसी का हाथ देखता हूँ या गायचा बनाता हूँ, उसको मैं यकीन करें मैं बड़े बड़े माहरीन से मिला भी हूँ और कुछ लोगों का रिजल्ट भी देखा है, मैं बिल्कुल 5-5 हजार रुपए फीस देकर भी चेक किया लोगों को, अगर मैं वही चीज हम तो नहीं देंगे सर, नहीं नशाबा दे रही हैं आप, उन्होंने मुझे मतलब यानी 4 बातें मैंने बता पाए, उसके मुकाबले में मैं अगर उन्हें किसी अपने क्लाइंट को अपने किसी वाकिफ को मैं 10 बातें बताता हूँ एग्जैक्ट और परफेक्ट, तो चूंकि मैं पैसे नहीं लेता इस वजह से, तो इस वजह से मेरा कोई खास असर और रसूख और काम चल रहा है, उसकी अहमियत ही नहीं कायम होती जब तक आप किसी को लूटे नहीं, उससे ऐठे नहीं पैसे, तो वो अहमियत ही बनती है। ये बात है इनके जो अपना जो वर्जिशें हैं और ये योगा है, इस टाइप के जितने आइटम्स हैं ये इतने आसान और सीधे साधे हैं, वो अगर उनकी अहमियत ही नहीं किसी को महसूस होती, अहमियत नहीं महसूस होती, ठीक है, कितनी बड़ी वो अल्लाह ताला की नेमत है, और जिन लोगों के थ्रू हम तक आई है मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, बेशक बेशक, वो बहुत बड़ी बात इंसानियत के लिए। ठीक है, इब्न कशीर साहब, बाज़ लोगों का ये कहना है या ये मानना है
یقین نہیں کرتے ہیں وہ ان سب چیزوں پہ, ہاتھ دکھانے پر منع کرتے کہ ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے, کیوں کہتے ہیں؟ نہیں مطلب سوچ کی پرابلم ہوتی ہے یا پھر کم, یہ ہمارے اندر میں کیا کہوں اس کو, میں آسان سے الفاظ سے بتا دیں, یہ خاص قسم کی سازش تھی جس میں انہوں نے من مانی تشریحات قرآن کی حدیث کی پیدا کر دی. اور اس میں اگر بالفرض ہاتھ دکھنے کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے تو ہاتھ دکھنے کا نہیں کہا جاتا, ہاتھ کا ذکر ہی قرآن میں اور اسلام میں اور حدیث میں ہے ہی نہیں, وہ تو ذکر ہے کہانت کا. کہانت کیا چیز ہے؟ کہانت ایک غیر شرعی چلہ کاٹا جاتا ہے, اس چلہ کاٹنے کے نتیجے میں ایک جن بھوت دیوی ہمزاد قابو کیا جاتا ہے, اور اس کی شرطیں قائم رکھی جاتی ہیں, ان شرطوں کے نتیجے میں وہ پھر اس کا تابع ہو جاتا ہے, پھر وہ آپ کے کان میں وہ بات کہتا ہے, اس کے ذہن میں آپ کی بات آتی ہے. اچھا. وہ چیزیں جو اسلام میں منع ہے, کہانت, کہن کہانت, انہوں نے اٹھا کے سب کو لپیٹ کر ایک جگہ ڈھیری بنا کر رکھ دیا, فارمسٹری, آسٹرولوجی, جبکہ آسٹرولوجی کی تو حقانیت بار بار قرآن میں بار بار بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے نجومیوں نے اس کو کہا کہ جی ایسا 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 ہوگا, ایسا ایسا ہوگا, ایسا ایسا ہوگا, اس نے اس کے توڑ میں تدبیر کی, اس نے تدبیر بہت کی, لیکن اس کی تدبیریں ناکام ہو گئیں اور وہی ہو کے رہا جو کہ نجومیوں نے کہا ہوا تھا, اللہ کے حکم سے انہوں نے بشارت تھی قسم کی, اور وہی ہوا. تو قرآن تو کسی جگہ بھی تنسیخ اور اس کی کیا بولتے ہیں جھٹلاتا نہیں ہے نجوم کو, لیکن نجوم کو میں بھی اس نقطۂ نظر کا حامل ہوں اور قائل ہوں کہ آپ اندھا دھن آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں. ٹھیک ہے آپ کے علم میں بات آ گئی, اس پہ تجزیہ کر لیں, غور کر لیں, الرٹ ہو جائیں اور اس کو اپنے اچھائی میں استعمال کریں, یہ نہیں اپنے اوپر ٹینشن اور پریشانی کے لیے استعمال کریں. جی صحیح, اچھی بات کر رہے ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز یاد آ گئی, ہماری جو کال آئی تھی کراچی سے, کیا نام بتایا تھا, نام بھول گئی ان کا میں, انہوں نے آپ کے نام کا مطلب پوچھا تھا, ابن کشیر کا مطلب. میرے یہاں مختلف چینلز پر پوچھا جاتا ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی مطلب الجھن بھی ہوتی ہے, لیکن نہیں بھی ہوتی, لیکن میں نے اپنے ذائچے سے اپنا حساب لگایا تو جو میرا نام اوریجنل نام ہے وہ نام کہیں نوٹس میں آ جائے گا, لیکن میں نے یہ نام ایک بڑی گہری سوچ کے ساتھ بڑی جدوجہد کے بعد تجویز کیا, اور میں اس میں دیکھا کہ دنیا میں کہیں نام ہے کہ نہیں, کہیں پر بھی نہیں ہے, میں نے بار بار اس کو چیک کیا, تو یہ نام کا عدد میں نے اپنے اس سے میچ کیا, میں نیمرولوجی میں تھوڑا بہت کام کرتا ہوں, تو عدد میں نے میچ کیا اپنے تاریخ پیدائش کے ساتھ, جو میرا اصل نام والدین رکھا ہوا تھا وہ نام میچ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں کچھ اور بھی میری ضروریات تھیں, جو ضروریات کے تحت میں نے اپنے نام یہ نام تشکیل دیا. اس نام کا مطلب ہے, اب دیکھیں مجھ سے فائدہ ہوگا یا اس میں کیا مقصد ہے, پر یقیناً نقصان تو شاید نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے, جیسے آپ انڈیا ہندوستان کو کہتے ہیں انڈیا, انگلش میں انڈیا کہتے ہیں, اردن کو جارڈن کہتے ہیں, شام کو سیریا کہتے ہیں, مصر کو ایجپٹ کہتے ہیں, تو اسی طرح جو بیسک زبان وہاں کی زبان ہوتی ہے اس زبان میں اس اپنے ملک کے کوئی اور نام ہوتے ہیں یا اپنے علاقے کے یا اپنی چیزوں کے نام مختلف ہوتے ہیں. میرا آبائی تعلق, میرے والدین کا تعلق کشمیر سے ہے, کشمیر کو کشمیری زبان میں کہتے ہیں کشیر, کشیر, تو اس کا مطلب پھر ہوا کہ کشمیر کا بیٹا, کشمیر. اچھا, اس سے ملتا جلتا دنیا میں ایک نام اور ہے, بڑا وہ بڑا بلند پایا اور بڑا محترم نام ہے, وہ ہے ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر ایک بڑی اتھینٹک قسم کی, میں نے یہی سنا جب وہ پروڈیوسر صاحب نے مجھے نام لکھ کر دیا آپ کا, تو میں ابن کثیر تو سنا, ابن کثیر ہے یا نہیں, میں سب سے پوچھوں گی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ ذرا بات کر لینا, پوچھ لینا کہ واقعی, کیونکہ میں نے پوچھا, انہوں نے اپنا نام یہی بتایا ہے. بالکل, اس سے ملتا جلتا ایک وہ نام ہے دنیا میں اور بڑا محترم نام ہے, اور قرآن کی سب سے محترم اور اس سے زیادہ اتھینٹک قسم کی کوئی تفسیر نہیں ہے, جو سب سے بہترین تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر. اور اس کے بعد میں نے ایک نام اپنا یہ تشکیل دیا ہے, یونیک نیم ہے, اور یہ نام صاف ظاہر ہے کہ میرے عام استعمال کا نہیں ہے, یہ میرے میڈیا کے حد تک ہے, یہ لکھائی پڑھائی کے حد تک ہے, اور ویسے میرے اپنا جو نام ہے وہ نام استعمال ہو رہا ہے جو ہے عثمان. نہیں نہیں نہیں, اب یہ نہیں بتانا چاہیے, وہ ماحول نہیں رہے گا نا, پھر بات دوہری ہو جائے گی, آپ کو بتا دوں گا بعد میں, پروگرام کی بات پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح نام چینج کیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی ایشو نہیں, نام کا یہ ان کو تدبیروں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تدبیروں کا, بالکل, کہ ہماری مطلب ہماری نصیب میں تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ نام لکھنا ہی لکھنا ہے یا ہمیں یہ نام رکھنا ہی رکھنا ہے بچوں کا, غور, فکر, تدبر, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ وہی چیز کا استعمال ہے. ٹھیک ہے سر, میرا نام بالکل ٹھیک ہے, صالح نورین, مجھے پھر بیٹھ کے کیلکولیشن کرنی پڑے گی, بیٹھ کے وہ باتیں ہیں جو کہ اگر تسلی کا ٹائم چاہتی ہیں, اور کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ بھئی آپ کا یہ نام پورا کا پورا ایگزیکٹ آپ کے تاریخ پیدائش کے ساتھ میچ کرتا ہے, وہ دن جس دن آپ کی پیدائش ہے, بالکل تاریخ ہے آپ کی 14 میں 14 آپ کا عدد, بیسک عدد آپ کا 5 ہے, ایک اور چار
पांच बनता है सही, क्योंकि नौ से आगे नहीं बढ़ते, याद रखना नौ से आगे नहीं बढ़ते, पांच है। पांच की खास खूबी तो ये होती है कि वो इंतहाई ज़हीन और बातचीत और मीडिया और कम्युनिकेशन से उनका वास्ता होता है। अब ये बात ऐसा लगता है ना जैसे यू लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ माजर के साथ, लेकिन हकीकत है, जो हकीकत है वो आमने सामने कहनी पड़ रही है मुझे, जबकि ये गायबाना तौर पर कहने की बातें हैं कि जी इसका फलाक आदत ये है, ये उसका ये तारीफ दहशत है, उसकी ये कैफियत होगी उसकी, वो है। और मेरा ख्याल है कि आपके जो नाम का आदत है वो यकीनन मैच कर रहा होगा, अगर वो मैच ना करता तो फिर आप इस फील्ड की तरफ ना आ पाती, बल्कि आप खिंचाव और खेचातानी का शिकार रहती, इधर उधर आगे पीछे एक तबीयत और कैफियत उलझन का शिकार हो जाती है। अगर आपकी तारीफ दहशत का आदत और आपके नाम का आदत अगर मुखालिफ हों, अगर दोस्त भी हैं तो चल जाएंगे, लेकिन अगर मुखालिफ हैं तो आपको फिर ये कैफियत हो जाएगी, न्यूट्रल भी है तो फिर भी चल जाएगा काम आपका, लेकिन अगर दुश्मन आदत है आपस में तो फिर आपको बिगाड़ बन जाएगा आपकी शख्सियत में, आपके मामलात में। सही सही, ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैर जी। नौशाबा आप बताएं, घुटनों का दर्द और ओह माय गॉड दर्द हाँ एक्चुअली यार पता है कि इतनी खवातीन देख रही होंगी ना, आपको बुलाएं इस वजह से है ना कि आप बताएं हमें, बिल्कुल मैं आई थी और बताएं। लोग घुटनों के दर्द का शिकार हैं और है, मेरी मम्मा खुद भी हैं, मेरी मदर भी, उनको मैं गाइड करती रहती हूँ, बोले केयर करती है, तदबीर कर रही होती है, ठीक है। एज होती है क्या किसके बाद घुटनों का दर्द स्टार्ट हो जाता है? नहीं, आजकल तो मैंने यंगस्टर्स को देखा है हॉस्पिटल में आते हैं और घुटनों का दर्द की शिकायत लेके आते हैं। देखो हो सकता है उनको कोई, यंगस्टर्स के लिए तो ज्यादातर यही होता है उनको कोई चोट लगी हुई होती है, चोट लगी हुई होती है, उसके बाद फिर वो जोड़ों में कुछ चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, केयर नहीं कर रहे होते तो फिर वो दर्द उनको परमानेंट हो रहा होता है, ठीक है। उसकी केयर के लिए वो फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आ रहे होते हैं, जो यंगस्टर्स की बात बता रही हूँ। और बाकी जो और एज के लोग हैं तो उनके लिए तो वो एज फैक्टर काउंट करता है, एग्जैक्टली एज फैक्टर काउंट करता है, मम्मा है एग्जैक्टली, बड़ी उम्र के लोग हैं हाँ। तो उनके घुटनों में चेंजेस की वजह से, एज फैक्टर की वजह से उनको दर्द की शिकायत, पट्टे उनके कमजोर होना शुरू हो, या जोड़ कमजोर हो रहा तो पट्टे भी कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। पट्टे, अब पट्टों को प्रॉपर तरीके, आपको पता है जोड़ को सही जगह पे रखने के लिए पट्टे ही हैं, जो सही जगह पे रखते हैं, उनको पोजिशन सही रखते हैं और मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो पट्टों को सही रखने के लिए घुटनों की एक्सरसाइजेस भी हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं उन्हें करनी चाहिए लोगों को, और बहुत आसान सी घरों में वो एक्सरसाइज होती है। देखो हर पेन के लिए जो है उसको सही रखने के लिए और अपने आप को ठीक रखने के लिए इंसान को कोशिश यानी कि तदबीर जरूर करनी चाहिए कि वो अपने आप को क्योर तो कर सकता है, ठीक है। और घुटनों के क्योर किस तरह से, कि कुछ एक्सरसाइज करें, अगर वो ओवरवेट है तो वेट कम करें, और मूवमेंट्स लाजमी रखें, लाजमी रखनी है उनको। इब्ने इब्ने कशीर साहब, इनकी बात को मैं बढ़ाते हुए okay. इसमें गिज़ा का भी एक अहम बहुत अहम किरदार है जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं, मेरी हमशीरा को किसी डॉक्टर साहब ने बात तजवीज की थी उस वक्त, और ये बात मैं मानता हूँ कि एक सिर्फ एक मामूली सी, बिल्कुल मामूली सादा सी बात है कि जो आपकी जोड़ों की चिकनाई कम हो जाती है या इसमें मामला प्रॉब्लम पड़ी होती है, उसके लिए उसके लिए एक कहा गया कि एक भिंडी कच्ची, सिर्फ एक भिंडी कच्ची वो एक दिन रोज की खा लें। अच्छा, वो भी आपके लिए इस हवाले से बहुत फायदेमंद होती है। अच्छा, वो उसका जो घुटनों का जो लुआब होता है जिसे हम बिल्कुल कम हो रहा होता है, कम होता चला जाता है, तो वो भिंडी में ये खसूसियत, उसमें लेस होता है, लुआब होता है वो बनाने के लिए, अरबी है और आपका हड्डियों का जो आप ये पाए जो इस्तेमाल करते हैं, सालन है पाए का या पाए बस इस्तेमाल जो करते हैं, ये अच्छा, ये सब अच्छा है। नाश्ता होता है, ठीक है। इब्ने कशीर साहब, आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, और फिर नौशाबा की बारी होगी, वो क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? एग्जैक्टली बता दूं, लास्ट मैसेज मेरा ये है कि तदबीर में, तो मैंने ये जितना अरसे की तवील जदोजहद की है और रिसर्च की है, इसमें तो ये बात सामने आई है कि अगर आपकी, आप पैदा होते हैं किसी अच्छे मालदार घराने में, आप अच्छी किस्मत के साथ ही पैदा हुए हैं, और आप अगर ज़हनी तौर पर नाहल हैं या कुछ कमी का शिकार हैं, तो फिर आप, कोई आपकी तसल्ली गारंटी नहीं है कि आप सरवाइव करें, सही, आप पैदर पे जवाल का शिकार हो जाएंगे। और अगर आप एक खस्ता हाल, बदहाल और बड़े मसाइब के शिकार घराने में पैदा होते हैं, और आपकी थोड़ी बहुत ही आप अकल का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, और आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुजाहमत करने के कायल हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे और आप अपने मुश्किलात पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। तो ये तदबीर का ये फलसफा यूं है, हमने देखा है और यूं ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। नौशाबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी खवातीन को जो सर्वाइकल पेन, जोड़ो, पट्टो, मैं बिल्कुल दर्द का शिकार है? हाँ बिल्कुल, इनके सर की बात को भी आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगी कि
तकदीर में जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं करें, ठीक है, तकदीर के ऊपर डिपेंड नहीं करें, बल्कि अगर आपको कुछ भी कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है, कुछ लाइफ में कुछ इस तरह की हैजर्ड्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि उसे बेटर करने की, उसकी केयर करने की कोशिश करें। अगर बॉडी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, बॉडी पेन्स के हिसाब से बात कर रही हूँ, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, दर्द आ रहे हैं या जो भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी की, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप उसको भी हर सूरत में मैनेजमेंट की तरफ जाएं, केयर उसकी तदबीर करें कि वो ठीक कैसे होगी या उससे बचा कैसे जा सकता है। और पेन आने से पहले, कोई भी पेन आने से, बॉडी का कोई भी पेन आने, जोड़ का दर्द है, कोई भी जोड़ का दर्द आने से पहले पहले अपनी बॉडी की केयर कर लें, यानी अपने आप को ठीक तरीके से उठाएं बिठाएं, चहलकदमी रखें जिंदगी के अंदर, कुछ एक्सरसाइजेस जो है, जनरल एक्सरसाइजेस जो है अपनी जिंदगी में शामिल रखें, ताकि आप मूवमेंट रखें, ताकि आप एक्टिव रहें, और साथ साथ गिजा का भी ख्याल रखें, गिजा का ख्याल रखें, ज्यादा ऐसी चीजें इस्तेमाल न करें जो बहुत ज्यादा फैटी हो, बहुत ज्यादा मिठास की चीजें इस्तेमाल ना करें, भिंडी तो खाएं खाएं, भिंडी तो खाएं खाएं, ताकि जो जोड़ों का जो दर्द है और जो लॉब कम हो रहा है वो तो बैलेंस हो। ठीक है जी नौशाबा, थैंक यू सो मच इब्नी कशीर साहब, थैंक यू सो मच आपका भी, आप यहाँ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारी नाज़रीन तक, हम तक फ्राहम किया आपने। जी नाज़रीन देखा आपने कि कितनी अच्छी बातें हमें पता चली हैं आज, कि एक तो भिंडी का इस्तेमाल रखना चाहिए जिन लोगों के जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, क्योंकि उसमें लेस होती है, उस चीज़ से ना ख़त्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही महंगी महंगी मेडिसिन लें, डॉक्टर्स के पास जाएं, और मतलब खुद को कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहा होता है वो अंदर से वैसे ही गल जाता है बिल्कुल, उसकी बॉडी ख़राब हो जाती है, और मोटापे का शिकार इस वजह से भी हो जाते हैं लोग, तरह तरह की मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ना सोचा करें कि बस नसीब में ही है, तकदीर में ही बीमारी है, तकदीर में ही मोटापा है, उसका क्या क्योर है, क्या इलाज है, उन सब चीजों पे देखा करें कि तदबीर हम क्या कर सकते हैं, कितनी एफर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जाएंगे हम ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ गेस्ट न्यू मौजूद होंगे, देखते रहें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें चल रही हैं और आप तक हम फ्राहम करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छी अच्छी सी बातें, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।